हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मंचूरियन ग्रेवी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए आज हम मंचूरियन ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। वेज ग्रेवी मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए ये सभी सामग्री। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। मैदा, यहाँ पे मैंने आधा कप मैदा लिया है, यहाँ इसे हम जरूरत के अनुसार यूज करेंगे। कॉर्नफ्लावर और कॉर्न स्टार्च, ये भी मैंने आधा कप लिया है, जरूरत के अनुसार यूज करेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक कद्दूकस किया हुआ, लहसुन यहाँ पे मैंने थोड़ा मोटा मोटा कूट के पीस लिया है, बारीक कटी हुई बीन्स फली जिसको मैंने धोकर के बारीक काट लिया है, स्प्रिंग अनियंस धोकर मैंने इसको बारीक काट लिया है, पत्ता गोभी जिसे मैंने धोकर के कद्दूकस कर लिया है, ये 1 पाव से थोड़ी कम है, शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च लिया है यहाँ पे मैंने जिसको धोकर के कद्दूकस कर लिया है, 2 से 3 यहाँ पे मैंने गाजर ली है जिसको मैंने धोकर के छील के और इसको कद्दूकस कर लिया है, यहाँ पे मैंने ली है शिमला मिर्च आधी जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये ग्रेवी के लिए चाहिए हमें, और नमक स्वाद अनुसार। इन सभी चीजों के अलावा हमें यहाँ पे जो चाहिए वो है सॉस, विनेगर और सोया सॉस। तो चलिए वेज ग्रेवी मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बर्तन, उसमें हम डाल देंगे कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी, कद्दूकस किया हुआ गाजर, बारीक कटी हुई फलियां, कद्दूकस किया हुआ शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियंस, इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। और याद रखें कि हमें जब इस सबको एक साथ मिलाएंगे, चाहे हम पहले या इस टाइम पे भी, हमें इसका सारा पानी निकाल देना है। यहाँ पे मैंने पानी पहले से ही निकाल रखा है। अगर आप इसका पानी नहीं निकालेंगे तो आपकी बॉल्स प्रॉपरली नहीं बनेगी। तो याद रखें कि हमें इसका पानी सारा अच्छे से निकाल के इसको यूज करना है। और पानी दोनों के हाथों की सहायता से अच्छे से दबा के निकाल लीजिए, जिससे इसको उठा के अच्छे से हाथों से दबाकर पानी सारा निकाल लें इसका। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, आप चाहे तो यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी आप चाहे तो यहाँ पे लाल मिर्च को भी यूज कर सकते हैं। इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक, ज्यादा यूज नहीं करना नमक, और अब हम इसमें अच्छे से मिलाकर इसमें कॉर्न स्टार्च और मैदा मिलाएंगे। अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च और 1 चम्मच मैदा, आधी आधी चम्मच और ऐड कर रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिला के देखेंगे कि हमारी सही से बाइंडिंग हो रही है या नहीं। अगर प्रॉपरली बाइंडिंग नहीं होगी तो हम इसमें और कॉर्न स्टार्च और मैदा मिलाएंगे। मैं यहाँ पे हाथों की सहायता ले रही हूँ, चम्मच को हटा रही हूँ। हाथों से हमें प्रॉपरली पता चल जाएगा कि इसकी बाइंडिंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं। तो इसमें जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा और मिला लेते हैं, इसकी बाइंडिंग अभी नहीं हो रही थी प्रॉपरली। आप भी इसमें जरूरत के अनुसार मिलाएं ताकि अच्छे से ये बॉल्स बन जाए। ये देखिए अब हमारी बॉल्स यहाँ पे बहुत अच्छे से बन रही है। इसी तरह अब हम अपनी सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। जब तक हमारी बॉल्स बन के तैयार होती है, यहाँ पे मैंने बॉल्स को डीप फ्राई करने के लिए तेल गरम करने रख दिया है कढ़ाई में। ये लीजिए हमारी मंचूरियंस बॉल्स यहाँ पे बन के तैयार है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे और यहाँ पे तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, चेक कर लें। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसे मंचूरियन बॉल्स डालेंगे। फ्लेम मीडियम रखें। थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने दें, जब ये नीचे से हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसको धीरे धीरे करके हिला लेंगे। देखिए
बहुत अच्छे से हुए हैं, हल्के हाथों से करें। और याद रखें जब हम बॉल्स बनाएं तो हमें ज़्यादा मैदा और कॉर्नस्टार्च का यूज़ नहीं करना है, वरना वो बहुत ज़्यादा फ्लेवर देगा और हमारी सभी सब्जियों का फ्लेवर अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं बॉल्स को, तब तक हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये लीजिए हमें हमारी बॉल्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो अब हम अपनी मंचूरियन बॉल्स को निकाल लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मंचूरियन बॉल्स बनकर एकदम तैयार हो चुकी है, तो अब हम इन मंचूरियन बॉल्स के लिए बनाएंगे ग्रेवी। तो चलिए ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मंचूरियन बॉल्स के लिए बनाना शुरू करते हैं ग्रेवी। यहाँ पे मैंने वही कढ़ाई ली है जो मैंने मंचूरियन डीप फ्राई करने के लिए यूज़ की थी। तो तेल हमारा ऑलरेडी गर्म है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन, दोनों चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर लिए, अदरक भी और लहसुन भी। इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहीं भी मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली, आप चाहें तो यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी, जो कि ऑप्शनल है। जब लहसुन और वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इस स्टेज में आपके हम यूज़ करेंगे प्याज बारीक कटा हुआ। हिला लेंगे, सिर्फ एक मिनट के लिए हमें हिलाना है, ज़्यादा नहीं करना। अब हम इसमें मिला देंगे शिमला मिर्च बारीक कटी थी, जो एक शिमला मिर्च हमने बारीक काटी थी, आधी सॉरी। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियंस, अच्छे से मिला लेंगे सभी चीज़ों को एक साथ। यहाँ पे हम थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे जब तक हमारे जो शिमला मिर्च है वो थोड़ी सी गल नहीं जाए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मिल शिमला मिर्च को गलाने तक का यहाँ पे इंतजार करें। यहाँ पे यूज़ करें थोड़ा सा नमक, नमक बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालें याद रखें, क्योंकि नमक बॉल्स में भी है और अभी हम जो सोया सॉस और सॉस डालेंगे उन दोनों में भी नमक होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉस, एक से दो टेबल स्पून डालेंगे। विनेगर और सोया सॉस, सॉस विनेगर और सोया सॉस हम इसको डाल के अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा मिलाने के बाद इस स्टेज में हम ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे मैं वो पानी यूज़ कर रही हूँ जो मैंने सब्जियों का निकाला था, आप चाहे तो इसको इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सब्जी वाला पानी यूज़ कर रही हूँ। मिला लेंगे अच्छे से, आपको जितना पानी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उतना पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ग्रेवी को थिक करने के लिए कॉर्न स्टार्च का पानी। कॉर्न स्टार्च और पानी ऐड करके हमने यहाँ पे ये घोल बना के तैयार किया है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे और इसको तुरंत हिला लेंगे, इससे हमारी ग्रेवी थिक हो जाती है, ये देख सकते हैं। ये देखिए काफी अच्छी थिक हो गई है ये, और अब हम इसको उबाल आने देंगे, अच्छे से इसको हिला लें और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही लो फ्लेम में रख लें। और अगर आपको इसमें और पानी ऐड करना है तो आप इसमें और पानी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ना ही इसको ज्यादा पतला करें और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा रहने दें। ये देखिए ये लीजिए यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब फ्लेम ऑफ कर दें क्योंकि हमारी ग्रेवी बनकर एकदम तैयार है। तो फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया और आप देख सकते हैं ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। तो इसमें अब हम डाल देंगे अपने मंचूरियन बॉल्स जो कि हमने तैयार करके रखे हैं, सभी मंचूरियन बॉल्स डाल दें और सबको अच्छे से मिला लें। ये देखिए यहाँ पे मैंने ग्रेवी में सारी मंचूरियन बॉल डाल दी है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो चलिए इसको अलग निकाल लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गर्मा गर्म मंचूरियन ग्रेवी बनकर एकदम तैयार है, इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये गर्मा गर्म खाने में बहुत ही अच्छी होती है, इसको आप फ्राइड राइस या फिर नूडल्स के साथ सर्व कीजिए,
ये बहुत ही टेस्टी होती है, और आप इसको किसी के भी साथ खाना चाहें तो उनके भी साथ ट्राई कीजिए, ये सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती है। तो इसको अपने घर में बनाइए, सबको खिलाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।